जय हिंद। आज हम डिफेंस एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिफेंस के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, रिवाइज किया। अब हम करेंगे इंडेक्सेस को रिवाइज, ठीक है। मैंने सारे इंडेक्सेस नहीं लिखे, कुछ लिखे हैं, ठीक है। और टॉप किसने किया और इंडिया का रैंकिंग क्या है, सीधे सीधे मैंने इजी बनाया, आपको इजीली याद हो जाएंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बहुत बार आता है, भारत का इस साल 80 इंडेक्स है, लास्ट ईयर 86 था, ठीक है। टॉप में सिंगापुर और लास्ट ईयर जापान थी टॉप में। ये बड़ा हो सकता है यही क्वेश्चन हो आपको, जापान हमेशा, जापान जो है फर्स्ट रैंकिंग, ये दुनिया में कहीं भी चल जाए इसके पासपोर्ट की लोग इसकी जांच नहीं करते, इसको चेक नहीं करते। और इसी तरह सिंगापुर की कैपिटल भी सिंगापुर सिटी है, ठीक है। सेकेंड नंबर में जर्मनी, इटली, स्पेन। जर्मनी की कैपिटल बताएगा मुझे कोई? बर्लिन। और इटली की? इटली स्पेन, इटली की रोम है, इटली की रोम, रोम इटली, रोम इटली, और ठीक है इटली की रोम। अब जो इटली है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, लिख लो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? इटली में। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली में है, ठीक है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, WHO का न्यूयॉर्क में, और क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन का भी न्यूयॉर्क, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। आज तक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चार जो वुमेन है वही प्रेसिडेंट बनी है, इतने सारे प्रेसिडेंट बने हैं बट चार जो है उनमें से चार ही वुमेन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी है। पहली विजय लक्ष्मी पंडिता, थोड़े क्वेश्चन ये लिख लो। फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट वुमेन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन कौन है? विजय लक्ष्मी पंडिता, फर्स्ट वुमेन गवर्नर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सरोजिनी नायडू यूपी से थी, पहली चीफ वुमेन चीफ मिनिस्टर भी यूपी से थी सुचेता कृपलानी। फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली, ये फीमेल लिख पा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट फीमेल मेयर ऑफ दिल्ली अरुणा आसिफ अली, ठीक है, अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली को मदर ऑफ क्या, इंडियन रेवल्यूशन बोलते हैं? नहीं, मदर ऑफ इंडियन रेवल्यूशन कौन है? भिकाजी कामा। कौन है? भिकाजी कामा। भिकाजी कामा फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होस्ट इंडियन फ्लैग इन फॉरेन लैंड, ठीक है। भिकाजी कामा होस्ट इंडियन फ्लैग इन फॉरेन लैंड, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट स्पिरिचुअल पर्सन टू एड्रेस इंडिया एट अ वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। शिकागो, कहां पे? शिकागो। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव जनपथ अवार्ड, आशा पूर्णा देवी, ज्योति कुमारी है, आशा पूर्णा देवी है, ठीक है, आशा पूर्णा देवी। पहली वुमेन जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, राखी मैम, राखी मैम को भी मिल जाएगा लिटरेचर में कोई ना कोई अवार्ड। अमृता प्रीतम, क्या है? अमृता प्रीतम पिंजर, अमृता प्रीतम। अच्छा जी, पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ये स्मृति ईरानी नहीं है भाई, रुक जा, सुषमा स्वराज, ठीक है। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर
ऑफ दिल्ली सुषमा स्वराज. ठीक है. फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर फीमेल सुषमा स्वराज. सुषमा स्वराज फर्स्ट इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फीमेल सीतारामन. निर्मला सीतारमन. ठीक है. फर्स्ट इंडिपेंडेंट में लिखवाया साथ में. फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिफेंस मिनिस्टर वुमेन निर्मला सीतारमन. और फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विथ एडिशनल चार्ज एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी. ठीक है. इंदिरा गांधी फाइनेंस थी वो फाइनेंस एंड एज वेल एज शी इज आल्सो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. शी इज कॉल्ड आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी. और इंदिरा गांधी से फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड. पहली वुमेन भारत रत्न अवार्ड इंदिरा गांधी. पहली वुमेन इंडिया की वैसे इंडिया की नहीं थी इंडिया से बाहर से जो इंडिया आते हैं ना उनको अवार्ड मिलता है. इंडियन वुमेन्स को कम मिलते क्योंकि इतने सारे काम बाद में होते हैं. ठीक है. पहली पहली फीमेल टीचर सुमित्री गार्गी स्वित्री बाई फुले. पहली फीमेल टीचर स्वित्री बाई फुले. और जो गायत्री जो है वो ऋग्वेदा में टीचर थी. ऋग्वेदा में जब ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा है ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा. और ऋग्वेदा में भी टीचर फीमेल टीचर्स होते. जो पहली टीचर थी उसका नाम गार्गी था. और गायत्री मंत्र है ऋग्वेदा में. ऋग्वेदा में गायत्री मंत्र जो है वो किसने दिया था विश्वामित्र ने. किसने विश्वामित्र. गार्गी इज ए गार्गी वाज द टीचर इन ड्यूरिंग द रेन ड्यूरिंग द ऋग्वेदा. ठीक है. पीरियड ऑफ ऋग्वेदा द प्रोमिनेंट रिवर ऑफ ऋग्वेदा वाज सरस्वती. ठीक है. सरस्वती ऋग्वेदा की प्रोमिनेंट रिवर कौन सी है सरस्वती. और पहली फीमेल टीचर होगी फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड इन पीस मदर टेरेसा. भाई बाहर की क्या तुम्हें एप्रोप्रिएट आंसर आते हैं बोलो नहीं तो ना बोलो. ठीक है. बाहर की इंडिया की. ठीक है. मदर टेरेसा. पहली इंडियन एयरफोर्स की पायलट हर्षा दियो. सन्नी दियोल की बहन नहीं है. ठीक है. एक बार चेक करने दो मुझे. है दियोल है बट सन्नी दियोल की बहन नहीं है. ठीक है. ये कहते फर्स्ट फीमेल टू विन ओलंपिक्स मेडल करना मलेश्वरी. करना मलेश्वरी दुर्गा बनर्जी वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस. इसको बाद में करते हैं. सरला ठकुराल है इसका नाम. सरला ठकुराल. सरला ठकुराल ये फर्स्ट फीमेल पायलट है भारत की. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एयरक्राफ्ट. ठीक है. सरला ठकुराल. फर्स्ट एयरफोर्स पायलट अवनी चतुर्वेदी. फर्स्ट एयरफोर्स पायलट टू फ्लाई रफाल अवनी चतुर्वेदी. अवनी चतुर्वेदी शिवांगी. शिवांगी सिंह. हाँ शिवांगी सिंह. मोहिना मोहिना कान भावना सिंह. हाँ राफेल वाले पूछते हो ना. हाँ तो शिवांगी सिंह. अवनी चतुर्वेदी पहली वो है पायलट है जिसने वीर गार्डियन में पार्टिसिपेट किया था. भवानी कांत वो है जिसने रिपब्लिक डे परेड में पहली इंडियन पायलट है जिसने रिपब्लिक डे कैपरियो में पार्टिसिपेट किया था. ठीक है. याद रखिएगा. शिवानी सिंह फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई रफाल. प्रिया लिखिए. प्रिया जिंगान फर्स्ट वुमेन टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी.
to become first woman officer in Indian Army. प्रिया जिंगान से मुझे क्वेश्चन ही भूल गया लिखना, ठीक है, ये भी लिख लो. प्रिया जिंगान बिकम फर्स्ट ऑफिसर इन इंडियन आर्मी एंड बिकम फर्स्ट ऑफिसर इन इंडियन आर्मी. अच्छा, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया थॉमस मैसी थॉमस भाई टेसी भाई तुम बुला टेसी डॉक्टर टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया. ठीक है, मिसाइल मैन तो आपको पता है. साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, साइंटिस्ट ऑफ इंडिया भी एक चाल यू आर राव को बोलते हैं साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. और मिसाइल हू डिस्कवर मिसाइल इंजन इन इंडिया बाय इन इसरो नंबी नारायण. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी आपका एक टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स जो है इंडिया का रैंक 80 है, सिंगापुर टॉप पे है, जर्मनी, इटली और स्पेन है. ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो दुनिया को पीस का पीस स्थापना करने की बात करता है कि भारत जो है पीसफुल आज तक एक ऐसा देश है दुनिया में ना तो वो किसी पे हमला करने गया ना कभी करेगा, और पीस में इंडिया का इंडेक्स 126 है. कितनी बड़ी आबादी है तो इतना पीस 126 ही बनता है. आइसलैंड तो इंडिया से डबल है, उसमें तो फर्स्ट रैंक है. ठीक है, वर्ल्ड वेल्थियस्ट सिटी इंडिया में जो वेल्थियस्ट सिटी है वो कौन सी है, मुंबई 21, दिल्ली 36 एंड न्यूयॉर्क फर्स्ट रैंक में. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये एसएससी में भी आएंगे भाई, यूपीएससी एसएससी में पूछे जाते हैं, सीसैट में भी पूछे जाते हैं. ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126 फिनलैंड टॉप. इंडिया की रैंक, ये जो रैंकिंग लिखी है ना ये मैंने भारत की लिखी है. ठीक है, भारत की हम खुश रहनों में से 126 पे आते हैं, और फिनलैंड जो है लैंड ऑफ फ्रोजन लेक कहलाती है. लैंड ऑफ विंडी सिटी कहलाती है स्कॉटलैंड, विंडी सिटी स्कॉटलैंड. हिल्स, लैंड ऑफ हिल्स रवांडा, रवांडा को लैंड ऑफ हिल्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है, रवांडा जो है लैंड ऑफ हिल्स कहती है. लैंड ऑफ विंड मील शिकागो, और लैंड बहुत सारी है. लैंड ऑफ वाइट एनिमल थाईलैंड, लैंड ऑफ वाइट एनिमल थाईलैंड. लैंड ऑफ साइक्लिंग बीजिंग. लैंड ऑफ ड्रैगन चाइना. लैंड ऑफ सनसेट चाइना. लैंड ऑफ सनराइज जापान. इन इंडिया लैंड ऑफ सनराइज अरुणाचल प्रदेश, सनसेट भी और सनराइज भी. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का रैंक, सॉरी ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में डेनमार्क इंडिया का 40, डेनमार्क आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल बहुत सारी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइज हेडक्वार्टर्स है, फीफा का, आर्चरी का, बैडमिंटन का नहीं है, टेबल टेनिस का है, हॉकी का है, इन सब का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, लुजेनिया स्विट्जरलैंड. बहुत सारी है. ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंकिंग है, नॉर्वे आयरलैंड एंड डेनमार्क की रैंकिंग ज्यादा है. नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल रीस आइलैंड ये एशिया का है, साउथ एशियन रीजन का है. ठीक है, भूटान ने टॉप किया है, सिक्स इंडिया की रैंकिंग है. साउथ एशियन रीजन कौन से हो गए, जो भारत के सब कॉन्टिनेंट है उनको साउथ एशियन रीजन कहा जाता है. एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 67 स्वीडन. ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 20, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का 13 टॉप पे, बेचारा अफगानिस्तान. तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत का 85. ठीक है, क्या है 85, और बाकी दुनिया का नहीं दिया, अभी इंडिया का ही दिया. ठीक है, नीति आयोग के टॉप प्रिपेयर्डनेस में आपको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जल जीवन में टॉप किसने किया है, कल ही तो क्वेश्चन करवाया है, केरला, मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश पहली स्टेट है, क्लीन मीन पहली स्वच्छ भारत स्टेट भी है. और क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत का 23, और ये 85 क्या लिख दिया मैंने, ये चेक कर लेती हूँ. ठीक है, कुछ और लिखी होंगी कट गया होगा. टॉप नीति आयोग में तमिलनाडु ने किया है,
महाराष्ट्र ने फिर कर्नाटक ने, ठीक है, ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस हर एग्जाम में है, ठीक है। क्या है सिमरन, किसने जीता जल जीवन, उनका तो चेक करिए। लोकमान्य तिलक, तिलक नेशनल अवार्ड मोदी को, आपको यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट मिल सकता है कि लोकमान्य तिलक अवार्ड आज तक कितने भारतीयों ने, कितने भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जीता है, ये क्वेश्चन कर लेना, कितने भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जीता है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड बाईकुला रेलवे स्टेशन, ये भारत का है, बाईकुला रेलवे स्टेशन ने यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड जीता है। यूके के प्राइम मिनिस्टर एक अवार्ड देखते हैं, उसका नाम है यूके प्राइम मिनिस्टर पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ये यूके ऑफ इंडियन ओरिजिन की है, मोक्षा राय, 7 ईयर की है मोक्षा राय। स्वच्छता पखवाड़ा, ये अवार्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसजेबी एंड लिमिटेड ने जीता है। लाइवलीहुड स्कॉच अवार्ड इस बार भी जेएनके ने जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आ सकता है। गोल्डन पिकअप अवार्ड जो है ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीता है, इस गोल्डन पिकअप से भी अवार्ड आता है, ठीक है। स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड जीता है एसजेबीएन ने, लाइवलीहुड मिशन बैग स्कॉच अवार्ड ये जेएनके ने जीता है, गोल्डन पिकअप एनवायरमेंट अवार्ड जो है अडानी ट्रांसमिशन ने जीता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडिया में सबसे बड़ा नेचुरल रॉक डिस्कवर किया गया है जीएसआई द्वारा, ये नेचुरल रॉक इंडिया कहाँ पे, ओडिशा में, ठीक है। इसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, ये कौन सी जगह में है, कौन सी रेंज में आता है, ये भी मैंने इसमें डाला है, कनिका रेंजा सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके आने के बहुत चांसेस हैं। ये पहले भारत का बिगेस्ट नेचुरल आर्क मिला है और जिसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, ओडिशा में, और कनिका रेंज में इस तरह भी क्वेश्चन पूछे नेशनल आर्क क्या है और कहाँ पे है, कौन सी रेंज में है और कौन से फॉरेस्ट डिवीजन में पाया गया, ठीक है। नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तैयार नहीं हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा बन जाएगा। लोथल कहाँ पे, लोथल इन गांधीनगर गुजरात, कहाँ पे बनाया गया है, लोथल गांधीनगर गुजरात। पहला फ्लोटिंग स्टोर अमेजोन खोलेगा, कौन खोलेगा, अमेजोन कहाँ खोलेगा, डल लेक में, यहाँ पे लिख लो अमेजोन, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। सिंगा अभी रिसेंटली इसरो ने कौन सी कंट्री के 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, सिंगापुर को, आप पूछ सकते हैं किस रॉकेट ने लॉन्च किया था, PSLV C-56, ये भी बड़ी बार मैं करवा चुकी हूँ, श्री हरिकोटा से, कहाँ से, श्री हरिकोटा से। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, ये जहाँ पे फाइनल G20 की मीटिंग होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं G20 की फाइनल जो मीटिंग होगी, जो G20 कंप्लीट हो जाएगा, इसका क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे होगी और भारत के कौन से कॉम्प्लेक्स में होगी, इसका नाम है भारत मंडपन, क्या है, भारत मंडपन, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आने के दो क्वेश्चन भाई दोनों रहने वाले हैं। इसके बाद ब्राजील इसकी मेंबरशिप ले लेगा G20 की, और या ये कहाँ पे होगी, दूसरा जो पार्लियामेंट में सिंगोल को स्थापित कहाँ किया गया, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं किस चेयर के पास किया गया है, स्पीकर आप लोकसभा की चेयर के पास रखा गया है सिंगोल, सिंगोल किसकी प्रगति, कौन से चोला एम्पायर, याद रखिएगा, करिकाल चोला ने भारत की पहली डैम बनाई, कलानी डैम,
कल्हानी डैम, ठीक है। ये डैम किसने बनाई थी? कारिकाल चोला ने। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी के ऊपर। और ये नदियों को हम अगर भारत का इतिहास पहले देखें, ये कावेरी होगी बड़ा, तो साउथ इंडिया बड़ी मान्यता देता था कि नदियों की पूजा वहां कावेरी गोदावरी कृष्णा महानदी इन सब की पूजा की जाती। कावेरी गोदावरी कृष्णा महानदी ये क्या है? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ये भी क्वेश्चन आता है ऑप्शंस में होंगे कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, इनमें से ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स क्या? मैच भी कई बार करना पड़ता है इस तरह का क्वेश्चन, और ये भी आता है, ठीक है। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये नॉन पेरिनल है, ये मानसूनल रिवर्स है, ये हिमालय से नहीं निकलती है। हिमालय से रिवर वो निकलती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चेनाब, इंदस, ये सारी पेरिनल रिवर है। नॉन पेरिनल कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी, नर्मदा और साबरमती, ये सारी क्या है? नॉन पेरिनल रिवर्स। एपीजे अब्दुल कलाम की मेमोर का नाम, उनकी बायोग्राफी का नाम, ऑटोबायोग्राफी का नाम, नेवर डाई, क्या? हाँ, अनमिशा खास प्लेट्यू मैंने दोबारा ऐड किया है, ये न्यूज में था, ये खास प्लेट्यू महाराष्ट्र में है। आबू आवास योजना, सॉरी ये तमिलनाडु झारखंड ने लॉन्च किया, अभी मेरा ये रह गया था लास्ट क्वेश्चन था। अटल सम्मान पूछ सकते हैं, प्रभु चंद्रा मिश्रा ने 2023 में जीता है। सरस्वती सम्मान लिटरेचर से है, ठीक है। फाइनल लैब, ठीक है, हाँ मैं सारा एक साथ करवा रही हूँ, फाइनल है। यहाँ पे रुकते, ठीक है। अब मैंने आपको इंडेक्सेस कराए, सारे करंट अफेयर आपको ये हो चुके हैं, ठीक है। आज मैं फाइनल कराऊंगी, इसके बाद जय हिंद।